अलैकुम जी एस्पिरेंट्स, आज हम अपने एसएसटी फीमेल प्रिपरेटरी सीरीज़ का पांचवा वर्ष तो लेक्चर है, लेकिन कुछ हमने एक पास पेपर भी किया हुआ है। तो कर तो सारे हम पास पेपर ही रहे हैं, लेकिन उसमें हमने जस्ट पास पेपर को एनालाइज किया था, तो उसके अकॉर्डिंगली वैसे ये छठा लेक्चर है इस सीरीज़ का, जिसमें हम इंग्लिश पोर्शन को जो है ना वो डिफाइन कर रहे हैं। और मैं ये रिपीटेडली कह रहा हूँ अपने सभी सुनने वालों को ये बताने के लिए कि आप ये नहीं समझिएगा कि शायद हम इंग्लिश का ही करेंगे, हम इंशाल्लाह पैडागोजी का भी करेंगे। और उसमें अभी जस्ट वेट है एफपीएससी का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो अपलोड होने में, जो रिसेंटली अभी मैंने कल भी लेक्चर में बताया था कि अभी नहीं हुआ, ठीक है। वैसे वो मोस्टली 2 माह तक करते हैं सिलेबी अपलोड, और सिलेबी के बाद तकरीबन कोई 2 माह 2.5 माह लगता है उसके पेपर होने में। तो इट्स मीन के कुछ 4 साढ़े 4 माह का टाइम होता है। बाज़ सीटें जो बड़ी होती हैं जिसमें कैंडिडेटचर की बहुत ज़्यादा तादाद होती है उसमें 6-6 माह भी लगते हैं। अभी रिसेंटली ADIB का पेपर हुआ है और ये दिसंबर में सीटें आई हुई थी, और आप उसको खुद ही आगे से एनालाइज कर लें कि 6-7 माह बाद जो ना जाके उसका पेपर हुआ है, और उसमें आई थिंक कैंडिडेटचर भी कुछ 60 हज़ार के करीब थी पूरे पाकिस्तान से ना। और SST में तो फिर भी सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं, उसमें तो सीटें भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो ये चीज़ मैटर करती है। तो होपफुली मैं भी इस पहले क्वार्टर में वो सिलेबी अपलोड करते हैं, जैसे ही सिलेबी अपलोड होगा वो मैं इंशाल्लाह फिर अलग से भी अपलोड कर दूँगा इधर, और उसको हम देखेंगे। उसमें डेफिनेटली इंग्लिश का तो 20% है, तो बाकी जो 3-4 डोमेन्स मैंने ऑलरेडी आपको बताई हुई हैं जिसमें पैडागोजी के रिलेटेड, क्लासरूम मैनेजमेंट आती है, टीचिंग मेथडोलॉजीज आती है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी आती है, फिर उसके बाद आपका एक और भी डोमेन है, वो मतलब 3-4 डोमेन, ये सारी कॉमन बेस जो टीचिंग के रिलेटेड सीटें होती हैं, लेक्चरार के रिलेटेड सीटें होती हैं, उन सभी में ये रिपीट होती हैं। तो इसके अलावा जो चीज़ें वो मज़ीद ऐड करी उन्होंने की होंगी उसका फिर हमें पता चल जाएगा कि वो कौन कौन सी हैं, राइट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। लेक्चर नंबर 5 है, और इसमें सबसे पहले है कि द डिस्प्यूट कैन ईजीली बी सेटल्ड बिटवीन यू एंड मी और आई। अच्छा, बाज़ का तो ऐसा होता है कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि यू एंड मी लोग कहते हैं कि तुम और मैं, तो ये ना ग्रामेटिकली मतलब ऐसे फंक्शनली तो आप बोल रहे होते हैं अपने आप को ठीक साबित करने के लिए, लेकिन ग्रामेटिकली तौर पे ये गलत होता है। यहाँ पे यू और आपने उसके साथ अपना कंपैरिजन करना है, मतलब अपनी बात करनी है, तो आप यू के साथ कभी भी मी नहीं लगाओगे, आप यू एंड आई कहोगे, ठीक है। द डिस्प्यूट यानी जो मामला था, जो मतलब लड़ाई झगड़ा था, जो भी था, कैन ईजीली बी सेटल्ड यानी उसको आराम से सुलझाया जा सकता है बिटवीन यू एंड आई, यू एंड मी नहीं, यू एंड आई आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है अ ट्री स्टैंड्स डैश द वॉल। अच्छा, इसमें ना पेपर में 3 ऑप्शन थे, एक था बिसाइड जैसे ये लिखा हुआ, एक ऑन था और एक बी साइड्स था। पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो बी साइड लिखा है ना, इसके साथ ही अगर हम एस लगा देना ऐसे एस, तो ये बिसाइड्स बन जाएगा, इसमें मीनिंग टोटली डिफरेंट हो जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि अली टीच इंग्लिश बिसाइड्स मैथ, बिसाइड्स मैथ जब मैं कहूँगा तो इट्स मीन है कि मैं कह रहा हूँ कि अली जो है वो मैथ के अलावा भी, मैथ के अलावा इंग्लिश भी पढ़ा सकता है, या ही हैज़ मास्टरी ओवर मल्टीपल लैंग्वेज बिसाइड्स इंग्लिश, यानी इंग्लिश के अलावा उसको और भी कई, मल्टीपल का मतलब 2 भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो 2 या 2 से ज़्यादा ज़बानों पर उसको अबूर है इंग्लिश के अलावा भी, ठीक है। या ही कैन स्पीक फ्रेंच इटालियन अरेबिक बिसाइड्स इंग्लिश, यानी कोई किसी अंग्रेज़ की बात हो रही है तो उसको कहा जाता है या उसके बारे में बताया जाता है। जैसे अक्सर आप UNO की लगे लें, UNO की 5 से 7 ज़बानें जो ना वो ऑफिशियल्स हैं इंग्लिश के अलावा, जो है उसमें रशियन भी है उसमें, तो आप कह सकते हैं कि UNO हैज़ 5 ऑफिशियल लैंग्वेजेस
मतलब बिसाइड्स इंग्लिश, यानी इंग्लिश के अलावा, तो बिसाइड्स अलावा में आ जाएगा। बिसाइड होता है किसी चीज़ के साथ, जैसे मैं कहूँ कि मतलब दो बच्चे बैठे हुए हैं, तो मैं कहूँगा कि अली इज़ सिटिंग बिसाइड मी, यानी अली मेरे साथ बैठा हुआ है, मेरे बगल में बैठा हुआ है। अली इज़ या फलानी चीज़ जो है ना वो मेरे पास पड़ी हुई है, इट इज़ कैप्ट, या इट इज़ फलां, या इट इज़ जो भी मतलब आप उसको कह लें, तो बिसाइड में मीनिंग चेंज हो जाएगा। अब ये ट्री की बात आ रही है तो वो दीवार के ऊपर तो नहीं आएगी ना, वॉल दीवार को कहते हैं, तो दीवार के ऊपर तो दरख्त नहीं लगेगा, ठीक है। ऑन का मतलब भी जो ना वो समझना है, ऑन किसी डायरेक्शन की ही बात कर रहा है, तो ऑन नहीं समझ आएगा आपको। बिसाइड्स हो नहीं सकता, कि दीवार के अलावा, अ ट्री स्टैंड्स दीवार के अलावा, मतलब दीवार के अलावा भी कुछ। तो बात वो ये कहना चाह रहा है कि दीवार के साथ दरख्त जो है ना वो खड़ा खड़ा मतलब के लगा हुआ है, दीवार के साथ लगा हुआ है, दीवार के बगल में लगा हुआ है। जैसे अक्सर दीवारों के साथ लोगों ने दरख्त लगाए होते हैं, तो उसको हम यही कहेंगे कि द ट्रीज़। डेफिनेटली ये तो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, एक अकेले ट्री की बात है, तो जब हम प्लूरल में कहेंगे तो फिर स्टैंड कहेंगे, ठीक है। तो द ट्रीज़ स्टैंड बिसाइड द वॉल, यानी दीवार के साथ जो है ना वो लगे हुए हैं, तो बिसाइड आएगा इसमें। बिसाइड्स का मैंने जस्ट एस लगा के आपको जस्ट समझाने की कोशिश की है। नेक्स्ट है, इट इज़ नथिंग डैश बट प्राइड, इट इज़ नथिंग डैश बट प्राइड। मैंने ये कुछ इसको सिंपल लफ्ज में कहूँ कि ये सवाए तकब्बुर के और कुछ नहीं है। ऐसे आपने अक्सर मतलब सुना होगा कि यार ये जो बोला है इसने तो सवाए तकब्बुर के कुछ नहीं है, तो इट इज़ नथिंग एल्स आएगा, एल्स, ठीक है। जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि एनीथिंग एल्स, यानी इसके अलावा कुछ, तो कुछ में ये आ जाएगा कि इट इज़ नथिंग, ये कुछ भी नहीं है सिवाय प्राइड के, ठीक है। नेक्स्ट, मैनी क्लासेस ऑफ एनिमल्स हैव बीन डैश बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन, यानी अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि आप ज़मीनों को जो है जो काश्तकारी के लिए थी उनको, या जो जंगलात वाली जो ज़मीनें होती हैं, या मतलब एक स्पीशीज़ जो है ना वो रह रही होती हैं, तो उनको उनकी कटाई कर रहे हो, उधर जो है ना वो ना क्या कहते हैं, कोई बिल्डिंग्स बना रहे हो, कॉटेजेस बना रहे हो, या होटल्स या कमर्शियल चीज़ें बना रहे हो, तो उसकी उस सूरत में भी आप ले सकते हो। दूसरे नंबर पे जो आप अगर आप रूरल एरियाज़ का आजकल का एक ट्रेंड देखो, उसमें भी क्या है कि लोग ज़मीनें वगैरह जो है ना वो जो गांव की मतलब आप कह लें कि काश्तकारी के लिए होती थी एक चीज़ रखी ज़मीनें, उनको भी जो है ना वो लोग अर्बनाइजेशन का जो ट्रेंड चलता है कि लोग शहरों की तरह नकल मकानी कर रहे हैं, शहरों में तरह भाग रहे हैं, तो उसकी वजह से जो बहुत से, अब क्लासेस का मतलब यहाँ पे इकसाम है कि बहुत से इकसाम के जो जानवर हैं ना वो डेड ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, मर गए हैं। एक्सटिंक्ट का मतलब होता है मादून हो जाना, मादून हो जाना मतलब बिल्कुल जिसकी नस्ल ख़त्म हो जाए, ये उसमें आएगा एक्सटिंक्ट, नापैद हो जाना। जैसे आजकल डायनासोर जो है ना वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, मादूम हो गए हैं, यानी नापैद हो गए हैं, ख़त्म हो गए हुए हैं। तो इस तरह बहुत सी जानवरों की और भी किस्में जो हैं वो नापैद हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं अर्बनाइजेशन के स्प्रेड की वजह से, यानी उसकी। हिज प्रपोजल फेल आउट फॉर डैश ऑफ सपोर्ट, ये यहाँ पे नीड है और एक वांट है कि हिज प्रपोजल फेल आउट फॉर डैश ऑफ सपोर्ट, यानी उसका प्रपोजल जो था वो फेल आउट का मतलब आप कह लें कि उसको या तो एक्सेप्ट नहीं किया गया, या उस जैसे इसका जो मीनिंग है वो वर्ड सही है वो वांट है, वांट के साथ उसने ना लैक ऑफ लिखा हुआ है, वांट यानी लैक ऑफ, लैक ऑफ का मतलब होता है किस कमी की वजह से। हिज प्रपोजल फेल आउट फॉर डैश ऑफ सपोर्ट, यानी लैक ऑफ सपोर्ट, तो किसी सपोर्ट की कमी की वजह से उसका जो प्रपोजल था ना वो ठुकरा दिया गया, या पीछे रख दिया गया, या उसको जो है ना वो आगे से एक्सेप्ट नहीं किया गया। ही डाइड बिफोर ही कुड कम्प्लीट हीज डैश, ही डाइड, ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट जो है ये अपनी बात कर रहा है, यानी उसके बारे में बात की जा रही है। एक होता है बायोग्राफी,
और एक होता है ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी होता है कि किसी इंसान के बारे में कोई दूसरा इंसान जब लिख रहा हो उसकी ज़िंदगी के बारे में, तो वो बायोग्राफी बनता है। लेकिन जब इंसान खुद अपनी ज़िंदगी के ऊपर जेना लिख रहा हो तो वो ऑटोबायोग्राफी होती है। इसलिए इसमें एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है ऑटो का, ठीक है। ऑटो ऑटो मतलब वो खुद की बात करता है, ऑटो का मतलब खुद होता है। जैसे अक्सर आपने ऑटोमेटिक गाड़ियों का सुना होगा, तो वो ऑटो पे कह देते हैं कि इसको ऑटो पे लगा दो, इसको ऐसे कर दो, तो वो ऑटो का मतलब होता है खुद कार निज़ाम पे। तो इधर खुद कार तो नहीं होगा डेफिनेटली, अब इधर ऑटो का मतलब होगा कि जो बंदा खुद लिख रहा है अपने बारे में। तो ही कुड कंप्लीट हिज ऑटोबायोग्राफी, यानी अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपनी, इसको हम सवानी उम्री भी कह सकते हैं, खुद नोश भी कह सकते हैं। तो उसको मुकम्मल करने से पहले ही वो मर गया। फूड एयर एंड वाटर आर डैश फॉर लाइफ। एडिक्वेट का पहले मतलब समझते हैं। एडिक्वेट का मतलब होता है काफ़ी होना, ठीक है, सफिशेंट होना, यानी काफ़ी होना। तो वो तो डेफिनेटली हमारा नहीं बनता, उसके साथ मैच ही नहीं कर रहा। तो ये इसेंशियल होगा, इसेंशियल का मतलब होता है नागुज़ीर होना, नागुज़ीर होना मतलब ज़रूरी होना, यानी जिसके बगैर जो है ना वो सर्वाइवल नामुमकिन हो। तो देख लें, फूड है, एयर है एंड वाटर है, ठीक है। आप एयर और वाटर के साथ तो नहीं सरवाइव कर सकते ना अकेले, और ना अकेले आप फूड के साथ सरवाइव कर सकते हो। तो ये आपके बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स हैं जिनको आपने कैरी करना ही करना है फॉर सर्वाइवल ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो ये इसेंशियल आएगा, इसेंशियल नागुजीर होना, ज़रूरी होना। तो द मिनरल डैश ऑफ पाकिस्तान आर नॉट फुली एक्सप्लॉयटेड, यानी पाकिस्तान के मिनरल जो मादनियाती आप कहते हैं, जिसको हम कहते हैं वो वेल्थ, वेल्थ का मतलब ज़खीरा भी होता है, दौलत तो होता है लेकिन वेल्थ का मतलब ज़खीरा भी होता है। लेकिन हम इधर जो ना वो वेल्थ नहीं लेंगे, हम इधर रिसोर्सेज लेंगे, यानी ज़राए जो मतलब पाकिस्तान के जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं हुए, यानी उनको अभी तक पूरी तरह से जो ना वो जांचा नहीं किया कि कितने हैं। मतलब पाकिस्तान में अगर तेल के हैं तो वो कितने हैं, के पाकिस्तान अभी भी तेल जो ना वो बरामद वो दरामद करता है बाहर से, लेकिन पाकिस्तान में कई जगहों पे जो है ना वो तेल की निशानदेही हुई, तेल नहीं निकाला गया, गैस के कई रिसोर्सेज अभी भी हैं। तो इस तरह से वो कहना ये चाह रहा है कि पाकिस्तान के जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लॉयट नहीं हुए, यानी सबके सामने जन्म नहीं आए। अब नेक्स्ट है, इफ़ यू डैश मी आई वुड हैव बीन इन रियल ट्रबल। अब ये आ गया आपका कंडीशनल सेंटेंस। हमने ज़ीरो कंडीशनल भी पढ़ा था, हमने फर्स्ट कंडीशनल भी पढ़ा था, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें हम विल और शैल का लगाते हैं। अब लेकिन यहाँ पे वुड लगा हुआ है, तो वुड जो है वो हमें निशानदेही करता है कि वहाँ पे बात जो है ना वो सिंपल प्रेजेंट की नहीं बल्कि पास्ट की हो रही है। तो ये हैड में आ जाएगा। इफ़ यू हैड, डिड तो आएगा नहीं, बिकॉज डिड हैज़ एन डिड जो है ना वो किसी और जगह पे काम करेगा। लेकिन हमें सेंटेंस, यानी जो हमारा कंडीशनल सेंटेंस है उसकी रिक्वायरमेंट भी देखनी है। तो उधर कहीं पे भी आपको डिड स्टार्टिंग में नहीं नज़र आएगा, आपको हैड नज़र आएगा, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे भी ना तो आपको हैड ही नज़र आएगा उसमें, जो आपका प्रेजेंट है, सॉरी पास्ट जो आपका टेंस है उसमें, जिसको हम सेकंड कंडीशनल भी कहते हैं। ये सेकंड कंडीशनल में आएगा, क्योंकि इधर ही आके वुड जो है ना वो यूज़ होता है। तो इफ़ यू डैश मी एंड इफ़ यू हैड नॉट हेल्प मी, अगर तुमने मेरी मदद ना की होती, आई वुड हैव बीन इन रियल ट्रबल, तो मैं एक हकीकी मुश्किल में फंस चुका होता, या फंस चुका होता, इस तरह कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। If you had not helped me, I would have been in real trouble. तो next, these are flowers. What is these in it? ये these जो है ये क्या है इस सेंटेंस में, these जो ना ये क्या है। तो ये दो इन्होंने ऑप्शन दिए हैं, एक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एक है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। लेट्स लर्न व्हाट इज़ डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है ना ये नाउन की जगह पे काम करता है, नाउन, ठीक है। यानी ये एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे आता है, और आपको पता ही है कि प्रोनाउन जो है वो हमेशा नाउन की जगह ही लेता है।
लेकिन ना एक चीज़ याद रखनी है, प्रोनाउन की कुछ कैटेगरीज होती हैं, जैसे एडजेक्टिव प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन, इस तरह से, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी, ये भी उनकी कैटेगरीज हैं। तो हमने कैटेगरी के अकॉर्डिंग देखना है कि कहाँ पे, हर जगह पे भी नहीं होगा वो प्रोनाउन जो है ना, हर जगह पे नाउन का काम नहीं भी करेगा, ठीक है। तो उसकी एक अलग वजह है, वो इधर अभी नहीं बताई जा सकती क्योंकि वो अभी हमारा मौजू नहीं है। तो यानी ये वो वर्ड्स हैं, दीज दे आर यूज टू पॉइंट टू समथिंग और समवन स्पेसिफिक, यानी किसी स्पेसिफिक चीज़ या शख्स की तरफ जो ना, वो इशारतन बात करने के लिए होता है। जैसे मैं इसकी एग्जांपल दूँ आपको, कि मैं कहूँ कि दिस इज़ माय सिस्टर, ये मेरी बहन है। तो अब इसमें आपने वर्ड सुने होंगे, देखे होंगे, दिस दैट दीज दोज, ये आप वर्ड शक लिख भी लीजिएगा अपनी नोटबुक पे, कि ये जो चार वर्ड होते हैं ना, दिस दैट दीज और दोज, ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। इसमें ना एक चीज़ और भी है, एक्सेप्शन में कर दूँ आपके नॉलेज के लिए, दैट जो है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन में भी आता है। रिलेटिव प्रोनाउन आपको पता है, जो डब्ल्यू एच वाली फैमिली वाले होते हैं, हुज, होम, हु, हो, व्हाट, व्हेन, एक्सेट्रा, उसमें दैट भी आ रहा होता है, ठीक है। तो दैट जो है, ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी आएगा और रिलेटिव प्रोनाउन में भी आएगा, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो दिस दैट दीज दोज, ये आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्लियर हो गया आई थिंक यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका, वी वर टोल्ड टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, हमें ये कहा गया कि बिजली की बचत करनी है। एडवर्ब फ्रेज है ये, यहाँ ये नाउन फ्रेज है। एडवर्ब की तो बात ही कोई नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एडवर्ब क्या काम करता है, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कि किसी वर्ब को क्वालिफाई करता है, यानी किसी वर्ब के बारे में मज़ीद बताता है। नेक्स्ट, यहाँ तो वो किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, यानी किसी की कोई खूबी है जिसके बारे में वो मज़ीद थोड़ा सा बता रहा है। तो इधर वो भी चीज़ नहीं है, इधर एक सिंपल स्टेटमेंट है, और वो सिंपल स्टेटमेंट जो है ना, वो आपको नाउन की तरफ इशारा करिए, क्योंकि इधर नाउन या प्रनाउन का जिक्र है, वही है ना इधर, ठीक है। आगे आपका ये वर्ब जो है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, टोल जो है ना वो आपका मेन वर्ब आ गया, तो आगे आ गया आपका टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, सेव इलेक्ट्रिसिटी। अब सेव भी यहाँ पे जो ना वो वर्ब लगी हुई है, सेव, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी आपकी किसी चीज़ का नाम है, सारी बात है, नाम को शो कर रहा है ना, तो नाम को नाउन कहते हैं, तो ये एडवर्ब फ्रेज नहीं बल्कि ये नाउन फ्रेज बन जाएगा। अब ये देखें फ्रेज क्या है, कि जैसे टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली बचानी है। अब क्या है इसमें, मतलब एक देखें, एक वर्ब भी आ रही है और एक नाउन भी आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि बात कंप्लीट नहीं, हमें इसमें सेंस समझ आ रही, इसलिए इसको फ्रेज कहा गया। लेकिन अगर हम इसको पूरा देखेंगे तो ये एक पूरी नाउन क्लॉज बन जाएगी, नाउन की बात हो रही है, तो इसलिए इसको हम नाउन फ्रेज कहेंगे। आपने याद रखना है कि ये जेके इन्होंने इधर से अंडरलाइन किया था इसको, टू सेव इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आपको इस चीज़ का आइडिया होना चाहिए कि आपसे जो चीज़ पूछी जा रही है अंडरलाइन करके, वो किस सेंस में आ रही है। आपको इसके लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ना, बहुत अच्छे से आने चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच मीन के ये जो आपके एडजेक्टिव्स हैं, एडवर्ब, ख़ास तौर से जो FTSC टारगेट करती है ना, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो मोस्टली करती है एडवर्ब एडजेक्टिव को। अब इनकी आगे इनकी कैटेगरीज भी होती हैं, जैसे एडवर्ब की आ जाती है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एट्सेट्रा। तो एडजेक्टिव की भी कुछ कैटेगरी, नाउन की तो बहुत सिंपल कैटेगरीज हैं, वो तो समझ आ जाती हैं, सिंपल मतलब कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, इंपीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एट्सेट्रा। तो इस तरह आपको एडवर्ब की, एडजेक्टिव की, फिर उसके बाद प्रोनाउन जो ऊपर देखे हमने लिखा है, ठीक है। चार पांच आपके हैं ना, ये आपको मस्ट आने चाहिए। बाकी प्रेपोजिशंस जो हैं उनके ऑलरेडी वो सवाल बना लेते हैं, ठीक है। तो कंजंक्शन मोस्टली कम ही मैंने देखा है कि वो पूछते हैं, तो क्योंकि वो इजी हैं। डिटर्मिनर्स ए एंड द जो हमने पढ़े होते हैं, वो भी मोस्टली कम ही मतलब देखे हैं मैंने, तो इन चार पांच पे जो ना वो ज़्यादा फोकस करते हैं, जो कि जेन्युइन भी बनता है। तो नेक्स्ट है, ग्रीक इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज टू लर्न। अब ग्रीक यहाँ पे क्या है, ग्रीक, अब देखें ना, ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज हमें शो कर रही है कि किसी ज़ुबान की बात हो रही है। अब ज़ुबान है तो जारी बात है, उसका कोई नाम तो होगा, ठीक है। तो ग्रीक उन्होंने, अब यहाँ पे ग्रीक नहीं है, इंग्लिश ही है,
फ्रेंच है, इटालियन है, पुर्टुगीज है, एक्सेट्रा, जो भी है, स्पेनल है, जो भी है, तो नाम है ना, किसी चीज़ का नाम है, किसका है ना, तो किसी ज़ुबान का नाम है भाई, नाम है। मेरे हाथ में पेन है तो ये पेन है, अब ये किसी चीज़ का बना, लेकिन इसका नाम पेन रखा है हमने, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी एक मटेरियल नाउन में आ रहा है, लेकिन नाम है ना, तो नाम आ रहा है नाम में, तो नाम नाउन को शो करता है, तो ये नाउन है, ठीक है, तो ये नाउन आ जाएगा आपका, राइट। नेक्स्ट आते हैं, ट्वाइस द विजल वाज ब्लाउन। अब विजल तो सभी आप जानते होंगे क्या होता है, तो ट्वाइस, अब इन्होंने ये क्या अंडरलाइन कर दिया, ट्वाइस, ट्वाइस जो है ना वो यहाँ पे क्या है, वो एडवर्ब है या एडजेक्टिव है, ये देखें, ये भी इन्होंने एडवर्ब और एडजेक्टिव में से ही पूछा है। तो बच्चे ट्वाइस जो है ना ये एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब किस सेंस में है, एडवर्ब की कैटेगरी है एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी, जो मैंने अभी पीछे अभी आपको बता के आया हूँ। एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या करती है, इट टेल्स अस हाउ ऑफ्टन द एक्शन टेक्स प्लेस, यानी रेट ऑफ अकरेंस जो है ना, एक एक्शन का रेट ऑफ अकरेंस के कितनी बार वो रिपीट हुआ है, या उसकी एक फ्रिक्वेंसी बता रहा है, तो उसको हम एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी कहते हैं। तो ये ट्वाइस जो है ये एडवर्ब ऑफ फ्रिक्वेंसी में आ रहा है, यानी ये एडवर्ब है, एडवर्ब की कैटेगरी में आता है, राइट। नेक्स्ट, दैट न्यू प्रोसेस वॉज ब्राउन्स आइडिया। अब ब्राउन्स आइडिया जो है ना, ये सिंपल, थोड़ी सी कॉमन सेंस रखने वाला भी कहेगा कि यार ये कोई कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट मतलब कि किसी की बात पे जो ना वो तबसरा किया गया है, कि किसी ने ये कोई आइडिया आइडिया दिया था, और उस प्रोसेस के बारे में उसने कहा है कि ये ब्राउन्स का आइडिया था, तो ब्राउन का आइडिया जो है ना ये क्या है, जेरंड तो नहीं हो सकता, जेरंड मैंने आपको बताया क्या होता है, और जेरंड में डेफिनेटली आई एन जी फॉर्म लगती लगती थी, उधर कोई भी आई एन जी वाला नहीं है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, राइट। नेक्स्ट आ जाए, द होल फर्म ऑफर्ड इट्स गुड विशेज। अब गुड विशेज जो है उसको उन्होंने अंडरलाइन किया है, बताया कहा है कि ये बताएं क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट तो हमने बता दिया कि ये, ठीक है, तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी जिसमें रेसिपियंट जो है ये कोई एक्शन रिसीव कर रहा होता है, लेकिन वो एक्शन जो, मैंने ना इसकी ये नीचे डेफिनेशन भी लिखी है, मैं आप अभी आपको बताता हूँ, ये देखें, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ अ नाउन फ्रेज, ये नहीं, एक नाउन फ्रेज होता है, राइट, रेफरिंग टू समवन और समथिंग, जो किसी चीज़ या किसी इंसान, समवन का मतलब किसी इंसान भी हो सकता है, को रेफर कर रहा होता है, दैट इज़ अफेक्टेड बाई द एक्शन ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स का आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी, ठीक है, हमने उसको भी नहीं किया हुआ, लेकिन ये इतनी ज़्यादा कोई मुश्किल या रॉकेट साइंस में नहीं है कि ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, तो बट इज़ नॉट द प्राइमरी ऑब्जेक्ट, यानी ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नहीं आता, बल्कि ये किसी प्राइमरी ऑब्जेक्ट में, मतलब नहीं आ रहा, किसी सेकेंडरी में आ रहा है, तो गुड विशेज जो है ना वो आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आएगा, ठीक है। जेन टुक अ लिटल नैप। अब लिटल यहाँ पे आ गया, फिर देखें एडवर्ब और एडजेक्टिव का आ गया, आई थिंक ये फोर्थ टाइम है जिसमें एडवर्ब और एडजेक्टिव का पूछा गया, तो लिटल जो है, लिटल एक कैटेगरी को बता रहा है, ठीक है, और यहाँ पे लिटल जो है ये एडवर्ब नहीं आ रहा, यहाँ पे लिटल जो है वो एडजेक्टिव में आ रहा है। वैसे लिटल एडवर्ब का काम भी करता है, नाउन का काम भी करता है, लेकिन हमने अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको समझना है कि भाई यहाँ पे ये जो वर्ड है ये किस में आ रहा है, तो यहाँ पे लिटल जो है ना, क्योंकि ये नाउन को बता रहा है, नाउन का एक एक्शन है नैप, ठीक है, तो उसको बता रहा है, उसकी क्वांटिटी को बता रहा है, ये यहाँ पे उसकी क्वांटिटी को बता रहा है कि वो थोड़ी सी उसने नैप ली है, राइट, तो ये एडजेक्टिव में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट है ये वाला, दिस वर्क ऑट टू डैश लॉन्ग अगो। दिस वर्क ऑट टू, ऑट टू मोस्टली जो ना वो आपके मॉडल वर्ब जो है ना उसमें शामिल किया जाता है, मतलब उसमें उसकी कैटेगरी में शामिल होता है ये ऑट टू जो है ना, जैसे मे माइट वेल वुड शेल शूट कैन कुड एट्सेट्रा, उसमें ऑट टू भी मतलब कैटेगरीज में शामिल किया जाता है। ऑट टू का मतलब होता है चाहिए था, चाहिए, दिस वर्क ऑट टू हैव बीन डन लॉन्ग अगो, तो ये हैव बीन डन आएगा, हैव बीन डन, ठीक है, तो
तो ये जी आपका आज का लेक्चर है, होपफुली आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे कमी बेशी हो हमें फीडबैक लाजमी दिया करें, आपका पॉजिटिव फीडबैक हमें बहुत अच्छा भी लगता है और हमें इंस्पिरेशन भी मिलती है कि हम अपने काम में मज़ीद निकाल लें। और बाकी ये है कि शेयर लाजमी किया करें, शेयर करने से ज़रा हमें हौसला अफज़ाई मिलती है कि आप हमारे काम को पसंद कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको। ये वैसे FTSC स्पेसिफिक भी नहीं है, आप किसी भी कम्पेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, डेफिनेटली इंग्लिश पोर्शन जो उसके है ना, वो हर एक कम्पेटिव एग्ज़ाम का लाजमी जुज़ है, वो वेरी कर सकता है, कहीं पे 15 नंबर का, कहीं पे 20 नंबर का, तो वो वेरी होता है, ठीक है, लेकिन होता ज़रूर है। और उसमें मोस्टली चीज़ें यही पूछी जाती हैं। हाँ, अभी हमने उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव एंड पैसिव वाइज, लेकिन अब वो चीज़ें बहुत कम होती जा रही हैं, ख़ास तौर से जो गवर्नमेंट लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसमें ये चीज़ें बहुत कम, क्योंकि उनके कुलिए मोस्टली लोग जो ना वो क्रैक कर लेते हैं इजीली, तो इसलिए यहाँ तो वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स या इस तरह की चीज़ें जो ग्रामर की होती है ना वो डालते हैं ज़्यादा। तो कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करें, उसमें इंग्लिश का पोर्शन जो ना वो मस्ट होता है, और वो आप इधर से उसको ईजिली रेडी कर सकते हो। तो इसलिए ये स्पेसिफिक इंग्लिश जो ना वो FPSC के स्पेसिफिक नहीं है, आप सभी के लिए कर सकते हो। तो इसलिए कोई भी सजेशन हो, कोई भी आपकी राय हो, फीडबैक हो, वो हमें लाजमी किया करें कमेंट सेक्शन में। हमारा इधर व्हाट्सएप नंबर भी है, उधर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी BS लेवल पे कोई BS इंग्लिश कर रहा है या कर रही है और उनको क्लासेस लेनी है या उसमें हेल्प आउट लेना है या स्टडी मटेरियल के रिलेटेड जो भी गाइडेंस है वो आप हमें ज्वाइन करके ले सकते हैं। तो टाटा बाय बाय, नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।